हमारे देश के दुश्मनों को गारत कर दे। जवान मूवी आई है शाहरुख भाई की, जैसे इससे पहले आपने रिएक्शन दिया था ट्रेलर का, अभी ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो आपने देखा कैसा लगा? भाई देखो, शाहरुख खान एक ऐसी शख्सियत है जिनको ऊपर वाले ने चुन के एक सुपरस्टार बना के ही भेजा है। चाहे पहली फिल्म हो, ये फिल्म हो, वो आदमी उतनी मेहनत करता है, उतना ही काम करता है, उतना ही सीरियसली अपने खून को अपने जद्दोजहद में डाल के उसमें वो पेश करता है। तो वो आदमी को देखो भाई, किसी चीज़ को अगर तुम दिल से चाहते हो फिर उसके ऊपर काम करते हो, तुम्हें वो मिलती है। आज शाहरुख भाई ने दिखा दिया सारे नए लौंडों को क्या बाप बाप होता है, बाप को सिखाने का नहीं, बाकी सब बाप के नीचे रहते हैं। और शाहरुख भाई बॉलीवुड का बाप है। सब नए लौंडे, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, जितने भी नए, कार्तिक आर्यन, जितने भी नए भाई, अरे इस एनर्जी से डांस करके दिखा दो। अभी तो तुम लोग अभी 30-35 के सब 30-35 के लपेटे में हो लोग, और ये 57 में ऐसा नाच रहा है शाहरुख भाई। अभी इनको आने तो दो 50 साल में, 50 में कहाँ रहेंगे ये? देखो भाई, सनी बाबा भी ऐसे है, सनी देओल बॉलीवुड के कम सुपरस्टार नहीं है बड़े भाई। वो उन्होंने अपना एक जगह बनाई थी और जगह को लेके चलते हुए आए। सब पुराने पोचड़ लोग हैं ये लोग, पुराने चावल है, ऐसा पानी में डालोगे गर्म हो जाते हैं लोग। ओल्ड वाइन इज अ गुड वाइन, ये सब इंडस्ट्री को संभालने के इन लोग है, ये बच्चे लोग का भी जरूरत है, इन लोग भी संभालेंगे। कोई वहाँ खड़ा है बाउंड्री के पार, कोई इधर है, किसी के हाथ में बैट है, किसी के हम ग्राउंड में बैठ के ही देखे जा रहे हैं। हमने भी बहुत काम किया, लेकिन आप समझ रहे हो धीरे धीरे वैसा होता है। अभी भी हम लाइन में ही है, कतार में ही है और खुश है। आपकी जो लुक काफी शराब हो रही है, लोग कह रहे हैं ये लुक आपने मेंटेन किया, तो क्या आपका विलन के रोल में भी आने वाले हो या अभी वापस सब जगह जा रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। हीरो विलन कुछ नहीं होता, मेरे भाई जो फिल्म चली उसके किरदार चले वो चलता है। बाकी कई हीरो आए, कई विलन आए, कई गए, कोई जानता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, और ना कोई उनकी मैयत में जाता है मेरे भाई। और मुझे ये सब की लालच नहीं है, फेम की लालच नहीं है, कुछ है नहीं है, कुछ आए तो अच्छे काम करके जाओ, मैयत में लोग आने चाहिए, जनाजा तुम्हारा भारी नहीं होना चाहिए। लोग फेम के पीछे भाग रहे, 100 लाइक 200 लाइक मैं देखता भी नहीं, कितनी लाइक आई, कितनी नहीं आई, कितनी कमेंट आई, भाड़ में जाए, मेरे को कुछ मतलब नहीं है इससे।